एनकेपी स्पोर्ट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहित शर्मा जो कि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 14 दिनों के क्वारंटीन में है, वो तीसरे टेस्ट मैच के बजाय दूसरे टेस्ट मैच में ही टीम इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा के 14 दिनों का क्वारंटीन खत्म होने के बाद वो तीसरे टेस्ट मैच में जो कि 7 जनवरी को खेला जाना है उसमें खेलने वाले थे, लेकिन अब BCCI रोहित शर्मा के क्वारंटीन पीरियड को कम करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच में ही टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे और ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। वैसे ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रोहित शर्मा को टीम से जुड़ने और उनके खेलने के लिए अलाउ भी कर देती है, फिर भी रोहित शर्मा को एक बार फिर अपना फिटनेस टेस्ट देना होगा और अगर रोहित शर्मा इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो वो दूसरे टेस्ट मैच में ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि पहले टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली निजी कारणों से वापस इंडिया चले जाएंगे, जिसके बाद अजिंक्य रहाणे टीम की अगुवाई करेंगे। अगर रोहित शर्मा टीम में शामिल हो जाते हैं तो ओपनिंग में वो जरूर मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आपके अनुसार क्या रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं, आप नीचे कमेंट कीजिए और हमें जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एनकेपी स्पोर्ट्स में फिलहाल के लिए इतना।